नमस्कार, आज मैं आप लोगों के सामने श्री सुमित्रानंदन पंत जी द्वारा रचित एक कविता पर्वत प्रदेश में पावस को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इस कविता का जो शीर्षक है पर्वत प्रदेश में पावस, यानी ऐसा कोई पर्वतीय इलाका, ओके, ऐसा कोई हिल स्टेशन जहाँ पर वर्षा ऋतु का मौसम है, ओके, तो कोई पर्वतीय इलाका, कोई पर्वतीय प्रदेश जहाँ पर बारिश हो रही है और वहाँ पर प्रकृति की खूबसूरती फिर कैसा रंग ले रही है, वही इस कविता में बताया गया है। सुमित्रानंदन पंत जी की अधिकांश जो कविताएं हैं वो उसमें प्रकृति की सुंदरता के बारे में ही बताया जाता है, ओके। आप एक बात बताइए, आपको कभी क्या हिमालय पर्वत पर जाने का मन नहीं करता है? आप क्या आप बहुत बार ऐसा हुआ होगा जो आप जब आप पहाड़ी स्थानों पर गए होंगे और वहाँ की खूबसूरती को देख करके आपका मन जो है वो पूरी तरह से उसमें खो जाता होगा, ठीक है। तो आइए इस कविता के द्वारा हम आज एक पर्वतीय प्रदेश में चलने की कोशिश करते हैं और वहाँ की खूबसूरती से रूबरू होते हैं, वहाँ की खूबसूरती से अवगत होते हैं। मैं क्या करूँगी, सबसे पहले मैं स्टैंजाज को पढ़ूंगी, उसके बाद मैं उसके हार्ड वर्ड्स बताऊँगी, उसके बाद मैं उस स्टैंजा को एक्सप्लेन करूँगी। मैं फर्स्ट स्टैंजा पढ़ रही हूँ, उसके बाद मैं उसके हार्ड वर्ड्स बताऊँगी, उसके बाद मैं उसे एक्सप्लेन करूँगी। पावस ऋतु थी पर्वत प्रदेश, पल पल परिवर्तित प्रकृति वेश, मेखलाकार पर्वत अपार अपने सहस्र दृढ़ सुमन फाड़, अवलोक रहा है बार बार नीचे जल में निज महाकार, जिसके चरणों में पलाताल दर्पण सा फैला है विशाल, ओके। पावस ऋतु मतलब वर्षा ऋतु, ओके, पर्वत मतलब माउंटेन, पल पल मतलब हर हर सेकंड, ठीक है, परिवर्तित होना मतलब चेंज होना, प्रकृति वेश मतलब नेचर का नेचर की वेशभूषा, ओके, उसके बाद सहस्र मतलब हजारों, दृढ़ सुमन मतलब सुमन रूपी आँखें, पुष्प रूपी आँखें, ओके, अवलोक मतलब बार बार देखना, ठीक है, निज मतलब अपना स्वयं, ठीक है, ताल मतलब तालाब, दर्पण मतलब मिरर यानी आईना। आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि वर्षा ऋतु में ओके, पर्वत प्रदेश में बारिश हो रही है, ओके, वर्षा के ऋतु में यानी रेनी सीजन में पर्वत प्रदेश में बारिश हो रही है, यानी रेनफॉल हो रहा है, और पल पल यानी हर सेकंड प्रकृति जो है अपनी वेशभूषा बदल रही है, यानी प्रकृति का जो मतलब वातावरण है, ओके, वो बार बार बदल रहा है। प्रकृति की जो मतलब आप चारों ओर जो प्रकृति को देख रहे हैं, पहाड़ी इलाकों को, पर्वत को जब आप देख रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि वो बार बार उसके चारों ओर का वातावरण जो है बारिश की वजह से बदल रहा है। पर्वत ने अभी करधनी के आकार का रूप धारण कर लिया है, ओके, पर्वत ने अभी करधनी के आकार का रूप धारण कर लिया है और ऐसा लग रहा है कि पर्वत के ऊपर, ओके, पर्वत के ऊपर और पर्वत के चारों ओर बहुत सारे फूल खिल रहे हैं और पर्वत अपने उन्हीं फूल रूपी आँखों से चारों ओर निहार रहा है, चारों ओर देख रहा है, ओके, वो सभी चीज़ों को देख रहा है और उसकी आँखें जो हैं वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही हैं, ओके। उसके बाद कवि कह रहे हैं कि पर्वत जो है वो अपना ही स्वरूप नीचे की ओर देख रहा है। अब वो नीचे जो अपना स्वरूप देख रहा है वो किस चीज़ में देख रहा है? पर्वत जो है उस, चूँकि पर्वत के नीचे बहुत सारे तालाब हैं तो पर्वत का जो इमेज है वो तालाब में भी हमें देखने को मिल रहा है, ओके, और पर्वत का जो इमेज है वो तालाब में आ गया है, ओके, और वो बहुत ही ज़्यादा पर्वत जो है पर्वत पर्वत
के लिए जो तालाब है वो आईना का काम कर रहा है, और पर्वत अपना ही स्वरूप उस तालाब में देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा है। ओके, अब मैं सेकेंड स्टैंजा पढ़ रही हूँ। गिरी का गौरव गाकर झरझर मद में नस नस उत्तेजित कर, मोती की लड़ियों से सुंदर झरते हैं झार भरे निर्झर। गिरिवर के उर से उठ उठ कर उच्चाकांक्षाओं से तरुवर है झांक रहे नीरव नभ नभ पर, अनिमेश अटल कुछ चिंता पर। अब मैं इसके हार्ड वर्ड्स को बताऊंगी, उसके बाद मैं इसे एक्सप्लेन करूंगी। गिरी मतलब पहाड़, ठीक है, मद मतलब मस्ती में, मोती मतलब पर्ल, झाग मतलब फेन, ओके, उच्चाकांक्षा मतलब ऊंची आकांक्षा, किसी चीज को पाने की बहुत ज्यादा चाहत रखना, ओके, इसे हम कहेंगे उच्चाकांक्षा। तरुवर मतलब पेड़, निरव नव मतलब शांत आकाश, अनिमेश मतलब एक टक, चिंता पर मतलब चिंतित। आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। कवि यहाँ पे कह रहे हैं कि बहते हुए जो जो जब बारिश हो रही है और पहाड़ से जब जो वाटरफॉल गिर रहा है, ओके, उसकी खूबसूरती अपने आप में निराली है, उसे देखने से ऐसा महसूस होता है मानो मानो सफेद मोती गिर रहा हो। जब वो वाटरफॉल तालाब में या नदी में गिरता है तो ऐसा महसूस होता है, ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने मोतियों की माला बना दी हो, ठीक है, जैसे किसी ने मोतियों की माला बना दी हो। उसके बाद कवि कहते हैं कि उसके बाद कवि कह रहे हैं कि पेड़ जो है वो पर्वत के हृदय से ऊपर उठकर आकाश की ओर देख रहे हैं। पेड़ जो है वो पर्वत के हृदय से ऊपर उठकर आकाश की ओर देख रहे हैं और वो थोड़े बहुत चिंतित भी हैं। चिंता उन्हें इस बात का है कि कहीं ये खूबसूरती तुरंत समाप्त न हो जाए, कहीं ये प्राकृतिक खूबसूरती तुरंत चली न जाए। अब मैं थर्ड स्टैंजा पढ़ रही हूँ। उड़ गया अचानक लो भूधर, फड़का अपार पारद के पर, रवशेष रह रहे हैं निर्जर, है टूट पड़ा भू पर अंबर। धस गए धरा में सभी शाल, उठ रहा धुआं जल रहा ताल, जो जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्र जाल। अब इसके जो हार्ड वर्ड्स हैं मैं वो आपको बता देती हूँ। यहाँ पर भूधर का मतलब होगा पहाड़, ठीक है, पारद के पर का मतलब यहाँ होगा पंख, ओके, तो इसका मतलब है यहाँ पारद के पर, इस वर्ड का मतलब होगा यहाँ पे पारे के समान चमकीले पंख, ओके, पारे के समान चमकीले पंख। रव शेष मतलब होगा चारों ओर शांत वातावरण में केवल पानी के गिरने की आवाज का आना। ध्यान से सुनिएगा इसे, चारों ओर रव शेष का मतलब हो रहा चारों ओर एकदम शांत वातावरण है, ओके, और पहाड़ों से सिर्फ पहाड़ों नदियों या तालाब से सिर्फ पानी के जो गिरने की या बहने की आवाज आती है ना, उसे ही हम कहेंगे रव शेष, ठीक है। भू मतलब धरती, अंबर मतलब आकाश, ओके, शाल का मतलब हो रहा एक वृक्ष का नाम, ताल मतलब तालाब, जलद यान मतलब बादल रूपी विमान, ओके, बादल रूपी विमान, इंद्रजाल मतलब हो रहा जादूगरी, ठीक है। आइए अब हम इस स्टैंजा को एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि अचानक से जो बारिश हो रही थी वो समाप्त हो जाती है और ऐसा लगता है, ऐसा लग रहा था मानो पहाड़ कहीं उड़ करके चला गया है, ओके, ध्यान से सुनिएगा इसे। अचानक से ऐसा, चूंकि बारिश समाप्त होने पर ऐसा लग रहा था कि अचानक से पर्वत कहीं गायब, दैट पहाड़ कहीं गायब हो रहे हैं, कहीं उड़ गए हैं, और उनके उड़ जाने के बाद
ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमें चारों ओर कोई चमकीले पंख सिर्फ और सिर्फ जब 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 पर्वत जब पहाड़ वहां से गायब हो जाते हैं तो चारों ओर हमें सिर्फ चमकीले पंख ही नजर आते हैं। उसके बाद कवि कह रहे हैं कि चूंकि अब बारिश नहीं हो रही है तो हमें सिर्फ पानी बारिश अब नहीं हो रही है, चारों ओर का माहौल वातावरण एकदम शांत है और चारों ओर से हमें सिर्फ और सिर्फ पानी के बहने और गिरने की ही आवाज आ रही है। फिर कवि कहते हैं कि ऐसा महसूस हो रहा है मानो मानो आकाश ने अपना अब आधिपत्य यानी स्काई ने चारों तरफ, क्योंकि अब हम जब नजर ऊपर कर रहे हैं तो हमें बादल नहीं दिख रहे हैं, हमें सिर्फ आकाश दिख रहा है क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। उसके बाद कवि कह रहे हैं कि धरती के अंदर ऐसा लग रहा है मानो जो वृक्ष है वो धंस गए हैं। ठीक है, जो वृक्ष बहुत खुशियों से बहुत बारिश की वजह से बहुत हरे भरे और सुंदर लग रहे थे, अब बारिश नहीं होने पर वो भी बहुत उदास हो रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है मानो वो भी धरती के अंदर समा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद कवि कहते हैं कि जो तालाब है, ठीक है, तालाब जो है वो भी अब ऐसा महसूस हो रहा है कि वो भी जल रहा है यानी वो भी खत्म हो गया है, वो भी समाप्त हो गया है। क्योंकि जब बारिश हो रही थी ना तो चारों ओर की खूबसूरती ही अनोखी थी, चारों ओर की खूबसूरती निराली थी। ओके, उसके बाद कवि कहते हैं कि यूं जलद यान में विचर विचर था इंद्र खेलता इंद्र जाल। कवि कह रहे हैं कि बादल रूपी विमान में वर्षा जो है वो इधर उधर बारिश का मौसम ऐसा प्रतीत होता है कि वो इधर उधर बादलों के साथ खेल रहा है। ओके, बादल जो है वो ऐसा महसूस हो रहा है जो आपकी आपस में वो कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। इंद्र देवता जो है वो बादलों के साथ एक अटखेलियां कर रहे हैं, एक मजाक कर रहे हैं, वो उनके साथ मानो खेल रहे हैं। कभी वो आ रहे हैं कभी जा रहे हैं, कभी बादल आते हैं कभी हमें दिखते हैं कभी वो गायब हो जाते हैं। ओके, तो इस तरह से इस कविता में बारिश के मौसम की प्राकृतिक खूबसूरती का बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया गया है, एक्सप्लेनेशन किया गया है। आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया होगा। यदि ऐसा है तो मेरे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ अपने क्लासमेट के साथ जरूर इसे शेयर कर लेना ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को इसका फ़ायदा हो सके। अपने कमेंट्स मुझे ज़रूर बताना जो आपके लिए और मेरे लिए दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। थैंक यू।